सर्वप्रथम या सर्व लहान मुलांसाठी त्यांचे प्रशिक्षक कोच वेगळ्या पद्धतीने आज आम्हाला लॉन फुटबॉल बघायला मिळते. म्हणजे मी ग्रामीण भागात सुद्धा काम करतो. धन्यवाद देतो की आता काही कन्सेप्ट आली आता मी माझ्या शाळेत काहीतरी वेगळं राहिलं, कारण मला ग्रामीण भागातून शहराकडे यायचे. आणि आत्ताच जगू साहेब सरांची माझी भेटली, भेट होत नाही तर तो आत्ताच झाली. आणि आता सर या पदावर म्हणून आपल्या कामात आम्ही जरा जोर असतो तर मी प्रॉपर मिरजेच राहायला मिरज आणि सर्व्हिसला बसतो असतो तासगाव तालुका रोज अपडाऊन आहे. आदरणीय गुरुवर माझे गुरुवर श्री आकाश सर यांनी चांगली साथ दिली म्हणून आज आम्ही या पर्यंत आलेलो. तर कौतुकास्पद या मुलांचं वाटतंय की तुम्हाला इथून पुढं खेलो इंडियासारख्या स्पर्धा तुमच्या पुढं उभारायला तुम्ही फक्त नुसता एकाच प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही राहू नका. म्हणजे तुम्ही हाय त्या प्लॅटफॉर्म तुम्ही नंतर चेंज करू शकताय पण चेंज करायचा नाही. एकच करा, आता या वयात तुम्ही फुटबॉलविषयी विचार करताय, आयुष्यात फुटबॉलविषयी विचार करायचा. गेम चेंज करायचं नाही. एक गेमनुसार आपल्याला आपली तुम्ही गेममध्ये असाल तर सर्व्हिस तुम्हाला बोलवून देतात. पालकांना नम्र विनंती आहे, तुम्ही आता तुमच्या औषधीसाठी कॅम्पला सोडला असेल, तुम्हाला घरात त्रास देत असेल म्हणून सोडला असेल तर बिलकुल असा कुठलाही पद्धतीनं विचार करू नका. मुलाला सातत्य कंटिन्युएशन ठेवा. आणि मला सगळ्यात जास्त आनंद वाटतो की सर्वांचं हे म्हणजे कोच बी आहे त्याने आता एक्झाम रेफरीची दिलेली आहे. रेफरी ज्यावेळेस एक्झाम देत असतो त्यावेळेस त्याला बारकावे बाकीच्या गोष्टीचे खेळातले बारकावे माहीत असावेच लागतात. जर माहीत असतील तर तो पुढे सक्सेस होतो लक्षात ठेवा. आणि याच्यामुळे आपल्याला बेनिफिट हा होणार आहे की सरांच्या आशीर्वाद या मुलांच्या डोक्यावर असणार हे पहिली गोष्ट असतो. त्यामुळे सरांच्यावर तुम्ही जसा आता विश्वास ठेवला तसं इथून पुढेही त्यांच्यावर त्याच विश्वासानं आपण त्यांच्या सोबत राहूया, सरांना देऊया. आणि सगळ्यात मोठी इथं आहे सय्यद सर आपल्या पदावर आहे, आपल्या पाठीशी आहे की तुम्ही लढा, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. आणि टेक्निकली तुम्हाला कुठलंही प्रॉब्लेम असलं तर माझे गुरुवर आकाश सर आहेत, मला कायम माझं कोचिंग किंवा व्हायचं काय असेल तर ते कायम आकाश सर मला साथ देत असतात, टेक्निकली सांगत असतात. त्यामुळे आम्ही आज घडलो. तर मी सर्व पालकांना पुन्हा एकदा नम्र अशी विनंती करतो की तुम्ही तुमच्या मुलांना खेळापासून फुटबॉल खेळ फुटबॉलच खेळायचे. मग तो ड्रिबलिंग करू दे, शॉर्ट ड्रिबल करू दे, पासिंग करू दे, तिकडं लक्ष देऊन त्याला खेळा ना मैदानात घ्या, त्याच्यावर तुम्ही खेळा, तुमचंही आरोग्य सुद्धा. आणि आज सरांनी बोलवलं, आम्ही डायरेक्ट आकाशांचा कॉल आला की जायचं आहे क्रिकेट, आम्ही आलो, सरांनी बोलवलं, तुम्ही आमचा इथे सत्कार केला, आम्हाला बोलवलं, त्याबद्दल मी तुमचा आभारी मानतो. धन्यवाद. सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलं आहे की या कॅम्पमध्ये आतापर्यंत आपला कसा एम ठेवावा आपण की आपण फुटबॉल चूज केला आहे तर एंड गेमपर्यंत फुटबॉलच ठेवायचा. आपण मॅनेजमेंट पण ह्याच गेममध्ये करायचं, पुढे भविष्यात पण ह्याच गेममध्ये राहायचं. तर आपल्या थोडक्यात त्यांना सांगायचं होतं की आपल्या गोलवर फोकस करायचा, आपल्याला गोल सोडून आपण इकडे तिकडे जायचं, एका टायटल फिक्स केलं आपण टायटलवर फोकस करायचा. मार्गदर्शन आपल्याला होईल, आपले सोबत प्रशिक्षण आहे, सिनियर प्रशिक्षण आहे. तर सरांचं खूप खूप धन्यवाद. त्यानंतर सांगली लोहड असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री जगुसिंग सय्यद यांना मी माहिती देतो की थोडा करावं. एक तर आई वडिलांनी आई आपल्याशी कसं आहे आपले मुसलमानचे आमच्या जातीचे लोक आई वडील पोरांना खेळायला सोडायचं म्हटलं की खुश होत. तू खेळामध्ये कसं आहे ह्या पोरांचं भविष्य आहे. इस्कूल आपल्या पुन्हा जाय, शाळा ही आपल्याला पाहिजे, शाळेच्या बरोबर हे पाहिजे. हे असला की आपला पोरगा कुठं तर नोकरीला लागला, नाहीतर नोकरीला लागत नाही. स्पोर्ट्सला अगर आपला पोरगा खेळत असला तर आपण पुढे जाऊ शकतो. नाही आपला कसं आहे आमच्या जातीचे लोक ए खाजार खेळले का विचार ये ऐसा करने का नहीं है. माँ बाप ने आई वडिलांनी नहीं करने का बच्चा खेळले जाणार ना जान देऊ
सिर्फ एक खेल में अभी तुझे क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलना है, तुझे फुटबॉल खेलना है तो तू फुटबॉल एक ही खेल खेलना है जिंदगी में। तू आदमी आगे बढ़ अभी मेरा अनुभव, मेरा लड़का सांगली पुलिस में है कहीं पर है, ये खेल अगर वो है पांच नेशनल दो यूनिवर्सिटी और एक इंडिया चला जा हुआ है डायरेक्ट भर्ती, डायरेक्ट भर्ती सांगली पुलिस में है नहीं छोकरा मेरा, तो ये अपने माँ बाप को समझ नहीं होना कि अपना बच्चा फुटबॉल खेलिया तो आगे जाना ये होना, ये नचा तो अपने बच्चा का भविष्य पढ़ के वो एक आधा छोकरा का तो गया वो, और ये बच्चा तो कैसा है खेलिया तो कुछ टीम समझ बम्बई कोल्हापुर पूना अगर तू चमकिया इसलिए क्या सारवान ने दिया एक छोकरा चमकिया सर्विस नहीं मुंबई में जाके कुछ कलम में खेला तो तुझे 10-20 हजार रुपए महीने की, पुना गया 10-15 हजार रुपए, तू भारी इसमें गया तो आई लीग में गया तो तुझे लाखों रुपए मिलेंगे तेरा अगर तकदीर चमकिया, आई लीग का प्लेयर भी गया इंडिया का प्लेयर भी गया अभी कोल्हापुर के प्लेयर कितने जा रहे हो इंडिया के अनिकेत जाधव काश कहा गया करोड़पति कोल्हापुर का छोटा तो कैसा है क्या है सारवान सर आए मेरे पास क्या लेना लो बाबा जी चल मैं हूं पीछे आप लोगों को बढ़ा देगा आप लोगों को बच्चे बढ़ा देगा हमने सांगली जिले हमने फुटबॉल ये बच्चा तरफ से हमने प्लेयर मिल गया तो माँ बाप ने भी कैसा है इनका ध्यान खेल में ज्यादा डाल लिया तो खेल में की डालेगा है कि ये बच्चे अगर एक बार खेल में कूदे तो दूसरे लाइन में नहीं लगे उसमें कूदे कि नहीं खरा फिर वो देखते नहीं ध्यान नहीं होते कुछ आउट लाइन बुरी कर वो क्षेत्र में से ये बच्चे अपने इस क्षेत्र में से आ जाए और ये ऐसा खेलते तो मैं रहे अभी परसों लेडीज के लिए मैं सांगली जिले की भेजा था नाशिक 17 बरस तो अपने पास दर बरस नेशनल 14 का 17 का 21 का और सीनियर और लेडीज ऐसे 7-8 कैंप में मेरे को टीम भेजना पड़ता है सांगली जिला फुटबॉल और उसमें से सिलेक्शन नेशनल का होता है चोपरा का वो इंटर डिस्ट्रिक्ट उसमें से अगर तुम्हें ऐसा कैंप करे समझो इंटर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हुआ नेशनल कैंप में गए तुम्हें नेशनल हुए तुमने वो सर्टिफिकेट फायदा सर्विस को तो ये कैंप लेने का कारण क्या हमारा कि हमें इसमें से बच्चे चुनने का है हमारा नेशनल को इंडिया को इधर ये अगर तुम्हें इसमें सारवान सर के साथ अगर करेंगे दिल से करने का है प्रैक्टिस को आएगा नहीं दिल से करना है मजाक करके आगे करने का नहीं अपने को तैयार होने का अपने को तैयार होने का और अपने को क्या निकालने का है वो हिसाब से अपन आके प्रैक्टिस सारवान सर के साथ करने का है क्योंकि मैं महाराष्ट्र के बॉडी में हूं और पुल पटेल अध्यक्ष है आदित्य ठाकरे उपाध्यक्ष है मालोजे राजे उपाध्यक्ष है विश्वजीत कदम उपाध्यक्ष है बहुत बड़ी बॉडी है ये महाराष्ट्र की उसमें मैं डायरेक्टर हूं मुंबई में तुमचा प्लेयर आपला कॅम्प भी जाने वाला रहा नॅशनल जाने वाला तर तुम्ही तयार हो बनाने का काम मेरा उत्तर लढने का काम मेरा बंबई में पण प्लेयर तयार होने होना खेलो सारवान सर के पीछे मैं हूं सांगली जिल्हा फुटबॉल असोसिएशन है और एक बार माँ बापा को तुम नसब को तुम बच्चा को खेलने छोड़ ठीक है मैं ये फुटबॉल से मेरे बाद मेरे बच्चा मेरा पुलिस में है कृष्णा वैली में दोनों छोकरांदा मेरे कृष्णा जी में पड़ी तो अभी भी रेखा उसका वहां लगे से बोर्ड पर तो अपिक सैयद को आज 12-13 बरस में पुलिस में आए हुए सांगली पुलिस की और महाराष्ट्र के टीम में उन्हें 8 बरस खेले बॉम्बे में और कैप्टन मारपंगा महाराष्ट्र पुलिस का तो ऐसा था नाम होना मिरज का फुटबॉल का नाम है
विरज का फुटबॉल का नाम है और हमें सांगली जिला फुटबॉल एसोसिएशन का, मैं अभी खेड़े पाड़े में घुस रहा, मैं अभी ताजगांव ईटा अष्टा इधर सलामपुर मैं इधर से बच्चा ला लीला छोकरा ला लीला पब्लिक में भी सारवान सर ने लिया हाथ में, अभी मई बच्चे आकाश सर है, ये बड़ा नहीं है अभी, अभी कमी नहीं, अभी शुरुआत है मेरी 15-20 बच्चे, अभी उसको मैं आइडिया बोलेला है अगले वर्ष वो आइडिया सक्सेस कर जाने हैं, 100 बच्चे भी अगले वर्ष, अभी 20 है, तो ये तुमने शिव जीवन में 100 बच्चे अगले डे मिले, उसके लिए एक शुरुआत करी आप बच्चे आप देखा जस्ट से ज्यादा हमारे मुसलमान के बच्चे थोड़ा शरारती इधर उधर तो शिवाजी ग्राउंड में जरा सर अगर हुआ तो बच्चा आउटलाइन में इधर नहीं जाते, वो सर्कल में जाते हैं, दृष्टिकोण से मैं शिवाजी स्टेडियम में ये कैंप चालू रखने का बोलूँ और इसे सारवान सर को बोलेला है और सारवान सर परसों रेपरी परीक्षा को भेजे थे, अभी पुनः सारवान सर रेपरी परीक्षा पास में सर, अभी ये डी लाइसेंस कोच करके एक रहता है, अभी कोचेस का भी परीक्षा नहीं किया WIP कर दिया पीपा तक और उसको बोलते हैं क्या डी लाइसेंस सी लाइसेंस ये बी ए बी सी डी ए बी सी डी ऐसे चार कोचेस के परीक्षा दी, वो नीचे से जाना पड़ता है डी सी, तो चार परीक्षा अगर वो कोचेस पास हुआ ना उन्हें हाई फाइव तुझे पैसे बैठे घरों में पगार, उन्हें नेशनल मैच का कोच करने का होगी अगर ये चार परीक्षा ही पास गया, तो अभी शुरुआत को सारवान जरूर बोल रही हूँ डी लाइसेंस का कोचिंग का अभ्यास कर, क्योंकि वो अभ्यास इतना हार्ड है ऊंचा भी छोकरा जाके वो डी लाइसेंस की परीक्षा दे नहीं सकते, उसको अभ्यास है किताब का, ये सब अभ्यास करना पड़ता है बॉल का कहाँ गया किधर खेल रहा है क्या खेल रहा है ये सब अभ्यास करके परीक्षा में लिखना पड़ता है पेपर में, तो फिर ये डी लाइसेंस कोच पास, अभी एक स्टेप इसे बढ़ाया हमें अभी रेफरी पास करें अभी डी लाइसेंस कोच करके अभी इसको भेज डालाऊंगे तो एक दो महीने के अंदर, अभी कोचिंग कैंप को अभी डी लाइसेंस ऐसे ही आने लाएंगे, तो इसके लिए कैसा है मेहनत कर रहे तो फल मिले, आदमी ने मेहनत करे ना ये खेल में तो उसे फल मिलता है, इसके लिए मैं क्या बोलता नहीं तुम्हें सर मेहनत करते जाओ सारवान सर के साथ रहते जाओ मैं तुम्हारे साथ में आऊँ कहा ऊपर क्या भी रहेंगे नेशनल मिशन को मैं भी ताकत लगा दूं तुम्हें नुस्तर तैयार हो चलो खूब खूब धन्यवाद सरांनी खूब चांगले पद्धतीने मार्गदर्शन केलं, इन शॉर्ट मध्ये आपल्याला महाराष्ट्रातील दखनी लैंग्वेज काय आहे हे ऐकायला मिळालं, दखनी लैंग्वेज आहे ना ती खूप नावलौकिक लैंग्वेज आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीची लैंग्वेज आहे ती।